दोस्तों इंजन ऑयल जो इस्तेमाल हो चुका है उसको अपने चेन पे मत दीजिए, क्योंकि इसमें आपका चेन का लाइफ कम हो जाता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, फिर से स्वागत है आपको हमारे चैनल पर मरीना ऑन व्हील्स पे। आज हम जो टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है बाइक चेन ट्रेनिंग का। क्योंकि आप देखते हो कभी भी किसी भी बाइक शॉप में आप जब बाइक देते हो वॉश करने के लिए या सर्विसिंग करने के लिए, तब आप बोलते हो चेन भी क्लीन करने के लिए, या कोई शोरूम या कोई बाइक रिपेयर शॉप में चेन क्लीन कर देता है। पर होता क्या है, एक चीज़ जो वो लोग गलती करता है वो है आप ही का ही पेट्रोल लेके आप ही का ही चेन क्लीन करता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि चेन पेट्रोल से क्लीन नहीं कराया, मतलब अच्छा नहीं है चेन क्लीन, क्योंकि वो जो चेन के अंदर जो ओरिंग होता है वो हो जाता है ख़राब अगर पेट्रोल से आप ठीक करोगे। तो यहाँ पर इस वीडियो पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे इजी तरीके से आप घर बैठे कुछ सिंपल सी कुछ चीज़ों की मदद से आप अपना चेन अच्छे से क्लीन कर सकते हो, वो भी सबसे कम बजट में, मतलब खर्चा सबसे कम होने वाला। फिर चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड मिलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों आप देख पा रहे हो ये है बजाज पल्सर NS160। आप देख रहे हो थोड़ा सा गंदा हुआ है, पर फिर भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि आप घर बैठे कैसे चेन क्लीन कर सकते हो। पहले आप क्या करोगे, पहले ये जो छोटा जीविस पकड़ रहता है इधर इधर, ये वाला और ये वाला नट खोलने से ये बाहर आ जाएगा। तो चलिए फिर हम लोग पहले इसको खोलते हैं। 8 नंबर का आप स्पैनर ले लेना। 8 नंबर का स्पैनर लेके पहले ये वाला हिस्सा लूज़ कर लीजिए, उसके बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा आपको दिखाते हैं, ये जो नीचे वाला हिस्सा इसको भी आप थोड़ा लूज़ कर लीजिए, फिर इसको आप आराम से निकाल सकते हो। फिर ये निकल जाने के बाद आप देख पा रहे हो इधर कितना गंदा होकर रखा है। आज हम आपको दिखाएंगे कि कैसे आप इजी तरीके से इजी ट्रिप से आप घर बैठे ये सब जो देख रहे हो ये सब आप कैसे क्लीन कर सकते हो। तो पहले हम इसको साइड पर रख देते हैं, क्योंकि दो नट खोने से बहुत तकलीफ़ हो सकता है, तो हम साइड पर रख देते हैं इसको। अब जिसके मदद से हम इसको साफ़ करेंगे वो है केरोसिन, क्योंकि पेट्रोल आप कतई मत लीजिएगा। पेट्रोल लेने से चेन का जो ओरिंग होता है वो ख़राब हो जाता है। और एक ऐसे यूज़ ना करने वाला ब्रश सबके घर पर रहता है, आप ऐसा एक ब्रश ले लीजिएगा, और ऐसा स्प्रे हो सके ऐसा टाइप का कोई बोतल लीजिए, उसके अंदर केरोसिन डाल लीजिए। उसके बाद पूरे जो चेन होता है सामने से एकदम लास्ट तक पूरा चेन को आप स्प्रे करके अच्छे से भिगो लीजिए केरोसिन के सहारे से। और अगर आप इधर पेट्रोल इस्तेमाल करोगे ना तो वो चेन का जो ओरिंग होता है वो डैमेज होता है बहुत ज़्यादा। तो एक रिक्वेस्ट आप सबको होता है कि कृपया करके पेट्रोल का इस्तेमाल मत कीजिए जब आप चेन क्लीनिंग करोगे। उसके बाद आप क्या करोगे, जो ब्रश है आपके पास उससे उसके मदद से आप अच्छे से चेन को अच्छे से घिस लीजिए। दोस्तों आप अब देख पा रहे हो कि पहले जो चेन का हालत था, अभी इधर देखिए नीचे कितना गंदा जमा होकर रखा है, ये सब के सब इस चेन के अंदर से निकला हुआ है। और इधर भी आप देख सकते हो अच्छे से कि सब कुछ साफ़ हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, एक सूखा कपड़े की मदद से बहुत ध्यान से सावधानी बरत के इसको साफ़ करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि चेन पहले से बहुत बेटर हालत में है। पहले कितना गंदा हुआ था अभी बहुत साफ़ सुथरा हो गया। अब इसको छोड़ देंगे ड्राई होने को।
और ये जो है पॉकेट का जो गार्ड है, मतलब सामने वाला जीबीएस पॉकेट गार्ड, अब देख सकते हो इसका हालत कितना गंदा जमा होकर रखा है। तो चलिए अब इसको हम एक क्लीन कर लेते हैं, इसको हम क्लीन कर लेते हैं, चेन को ड्राई करने के लिए रख दीजिए। तो अब हम इसको लेके आते हैं, इसको इन दोनों को पहले हटा देते हैं और एक शार्प चीज़ ले लेना, क्योंकि वो कोने पे जाके अब देख सकते हो मैंने पहले ट्राई करके रखा है कि जा रहा है कि नहीं कोने कोने तक, तो जा रहा है। तो अब इसको लेकर साफ कर लीजिए। ये भी हो गया क्लीन, आप देख सकते हो कितने अच्छे से क्लीन हुआ है। तो इसको हम रख देते हैं। अब देखते हैं चेन सूखा कि नहीं। हाँ चेन आप खुद देख सकते हो चेन कितना ड्राई हो गया है, साफ सुथरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा साफ सुथरा लग रहा है। आप इधर देख भी, पहले आप शुरू में देखे थे कितना काला हो गया था उंगली जैसे घिसने से, तो अब देखिए अब काला हो भी नहीं रहा है। तो अब हम क्या करते हैं, अब चेन को जो सामने वाला इस पॉकेट देख रहे हो, सामने वाला इस पॉकेट का जो ये गार्ड है, ये गार्ड को हम अब इसको लगा लेते हैं, उसके बाद गाड़ी को वॉश कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। दोस्तों आप देख पा रहे हो इधर बाइक वॉश होके पूरा रेडी हो गया है, अब इसको थोड़ी देर पानी सूखने के लिए छोड़ देते हैं। अब अगर आप देखोगे, आप देखो इधर पानी अब नहीं है, मैक्स टू मैक्स ये सूख गया है। अब इधर भी देख सकते हो चेन भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन भी हो गया है, और पानी जो इसके अंदर, मतलब बाइक जो वॉश किया था हम लोगों ने, तो उसके बाद पानी 90% पानी इस यहाँ से सूख गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसको ल्यूब करेंगे। ये जो मेरे हाथ पे देख रहे हो आप लोग, ये 90 गेज का गियर ऑयल, क्योंकि बहुत सीधी बात बोलूँ तो मार्केट में जो ल्यूब करने के लिए जो स्प्रे मिलता है बहुत सारे कंपनियों का, वो बहुत कीमती होता है, मैं मतलब बहुत ज़्यादा कीमती होता है। ऊपर से आप 3 से 4 बार स्प्रे करोगे और बोतल ख़त्म हो जाता है, और प्राइस रहता है 300, कोई कोई 150-200 का। तो मैं 90 गेज का गियर ऑयल इस्तेमाल करता हूँ, अभी तक मैं 7-8 साल से मैं ये 90 गेज का गियर ऑयल इस्तेमाल करता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं आता है। तो आप लोग देख सकते हो कैसे ऐसे आप लोग अच्छे से ल्यूब कर लीजिएगा, जब चेन फेन क्लीन हो जाने के बाद आप ऐसे अच्छे से धीरे धीरे करके घुमाइएगा और इसे ल्यूब करते रहेगा। अब हम क्या करेंगे, बाइक को स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने के बाद अब देखो बाइक को स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट करने के बाद उसको दो मिनट में फर्स्ट गियर या सेकेंड गियर पे डाल के इसको रनिंग पे रखेंगे, क्योंकि जो ल्यूब हम लोगों ने किया है वो पूरे चेन में मतलब फैल जाए, इसके लिए आप देख सकते हो इधर पर
मैं इसको सेकंड गियर पे डाल के मैं धीरे धीरे रेव नहीं करने का, सिर्फ सेकंड गियर पे डाल के छोड़ दीजिए थोड़ा सा RPM ज़्यादा करके, ये अपने आप चेन घूमता रहेगा और पूरे चेन में वो जो 90 गेज का गियर वाल मैंने डाला है वो हो जाएगा। आप देख सकते हो इधर कैसे अच्छे से चारों तरफ लग गया है। अब कोई बात नहीं है, अब यहाँ पर जो कवर है वो हम बंद कर लेंगे। अब इधर देख सकते हो ये कवर, हम इसको अच्छे से यहाँ पर लगा के एक स्क्रू यहाँ पर डाल के और एक स्क्रू नीचे डाल के हम इसको अच्छे से टाइट कर लेंगे। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ये भी बता दीजिए कि वीडियो कैसा लगा है, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और अगर आपके कोई दोस्त वगैरह है जो बाइक लवर्स है तो उनको भी ये ट्रिक्स शेयर कर देना, क्योंकि उन लोगों को भी आसानी होगा चेंज करने। तो आज के लिए इतना ही, चलिए टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून इन नेक्स्ट ब्लॉग।